नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो। मूवी स्टार में आप सबका स्वागत है। शाहिद कपूर की मूवी को आज छठा दिन चल रहा है और आज हम जानते हैं कि इस मूवी ने अभी तक बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है और यह मूवी ऑडियंस को कैसी लगी है। इस मूवी ने अभी तक कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, यहाँ तक कि अक्षय कुमार की मूवी केसरी को भी पीछे छोड़ दिया है और इसके साथ साथ अजय देवगन की मूवी दे दे प्यार दे को भी पीछे छोड़ दिया है। यह 2019 की सबसे ज़्यादा अच्छी ओपनिंग करने की लिस्ट में आ चुका है। यह 2019 की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी में इस मूवी का दर्ज नाम हो चुका है और आज हम जानते हैं इस मूवी ने अपने पहले ही दिन में कितने करोड़ का कलेक्शन किया है। अपने पहले ही दिन में इस मूवी ने 20 करोड़ 21 लाख का कलेक्शन किया है, जो कि इस मूवी के लिए काफ़ी अच्छा बताया जा रहा है। और अपने दूसरे ही दिन में इस मूवी ने 22 करोड़ 71 लाख का आंकड़ा पार किया है और अपने तीसरे ही दिन में 27 करोड़ 91 लाख रुपये का आंकड़ा पार किया है और अपने चौथे ही दिन में 17 करोड़ 54 लाख रुपये का आंकड़ा पार किया है। और इस मूवी का 4 दिनों का कलेक्शन हो चुका है टोटल 88 करोड़ 37 लाख रुपये का आंकड़ा पार किया है। और कहा जा रहा है इस मूवी ने अपने 4 ही दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अपने पाँचवें दिन में इस मूवी ने 16 करोड़ का आंकड़ा पार किया है और छठे दिन में 13 करोड़ का आंकड़ा पार किया है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर। और इस मूवी का टोटल कलेक्शन हो चुका है 117 करोड़ रुपये हो चुका है और यह मूवी 2019 की सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाली मूवी में नाम में दर्ज हो चुका है। और इस मूवी का बजट 60 करोड़ रुपये बजट है इस मूवी का। और इस मूवी ने अपने 3 दिनों में ही अपने 60 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और आज हम जानते हैं कि यह मूवी किस किस जगह कितनी कितनी चल रही है। सबसे कम चेन्नई में ओवरऑल 10% मूवी चल रही है और मॉर्निंग के टाइम 10% मूवी चल रही है। सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया में कबीर सिंह की मूवी देखा जा रहा है पटना में 75% ओवरऑल और सुबह के टाइम 75% देखा जा रहा है। इस मूवी को इंडियन स्क्रीन पर 3123 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था और ओवरसीज पे 493 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। यह 2019 की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली मूवी है और यह मूवी हम सबको ज़रूर देखना चाहिए। और आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।